पूर्वी जमशेदपुर के विधायक और पूर्व मंत्री सरयू राय ने आने वाले दिनों में राज्य में राष्ट्रपति के शासन की संभावना जताई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश कर दी तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना काफी बढ़ जाएगी। सरयू राय ने कहा कि राज्य राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है और यदि महागठबंधन टूटता है तो राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। झारखंड लंबे समय से, साल भर से ज्यादा समय से राजनीतिक रूप से अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर चुनाव आयोग में मुकदमा है, सुनवाई हो गई है, उसका नतीजा आने वाला है। नतीजा आने में अगर ये संभावना बनती है कि चुनाव आयोग सिफारिश करेगा कि हेमंत सोरेन जी विधायक बनने के योग्य नहीं हैं, तब तो इनके स्थान पर कोई मुख्यमंत्री बनेगा। गठबंधन का बहुमत है, 3 विधायक जो जेल से छूटे हैं वो भी बाध्य होंगे कि हम कांग्रेस के साथ रहें, तो ये बहुमत के साथ ये कोई दूसरा विकल्प चुन के, नेता चुन के सरकार चला सकते हैं। नेता कोई हो सकता है, हेमंत सोरेन जी के परिवार का कोई हो सकता है, उनके परिवार का कोई पुरुष हो सकता है, उनके परिवार की कोई महिला हो सकती है, या JMM का कोई बड़ा नेता जो है राज्य में वह हो सकता है। मगर अस्थिरता तो आ ही गई है और जब अगर वो अयोग्य साबित हो जाएंगे और उनका जो विधायक दल दोनों दलों का है ये मिलाकर उसके विधायक ये सोचते हैं कि साहब अब तो हमारा गुजारा नहीं है इस दल में, ये दल तो विश्वसनीयता खो चुका है, और एक समूह के साथ वो बाहर आ जाते हैं तो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगेगा। इसी की संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है कि हेमंत सोरेन जी की सदस्यता अगर समाप्त कर दी जाती है, उनको विधायक रहने से अयोग्य करार दिया जाता है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना बढ़ जाएगी। साल 2016 से झारखंड के शिक्षा जगत में अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड एक क्रांति के रूप में सामने आया है। यूनिवर्सिटी इंटीग्रेटेड और ट्रांसकल्चरल एजुकेशन के जरिए प्रतिभा को निखारने का काम कर रहा है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड बडिंग टैलेंट्स का न सिर्फ करियर संवार रहा है बल्कि एक अच्छा इंसान बनने में उनकी मदद भी कर रहा है। यहाँ के क्वालिफाइड फैकल्टीज और स्टूडेंट्स ने मिलकर अब तक 400 से ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉप पोस्ट क्रैक करने के लिए यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और यही वजह है कि यहाँ के स्टूडेंट्स अमेजॉन, डेलॉयट, एक्सेंचर, विप्रो, नेस्ले, TCS, ITC, कोलगेट, फेडरल बैंक, JP Morgan, हिंदुस्तान यूनिलीवर और मेडिको जैसे बड़े और रेप्यूटेड कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए प्रेफर्ड चॉइस बन गए हैं। 47 लाख की हाईएस्ट पैकेज के साथ अमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने राज्य में एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है।